उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों का स्वागत करता है द मास्टर आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग टोटल 130वें नंबर का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले के सुपर टेट वाले प्रैक्टिस सेट आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो जाकर उन्हें देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना दी गई है आप सभी अभ्यर्थियों के लिए। यह जो समय चल रहा है, यह संक्रमण काल का समय चल रहा है, आपकी परीक्षा कब होगी इसका नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ है, आप पिछले 2-3 सालों से लगातार सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं। अगर इस समय आप लोग ढीले पड़ गए, आप लोगों ने अपने तैयारी बंद कर दिया या कम कर दिया, तो ऐसी कंडीशन में जो कुछ भी 2-3 सालों में पढ़ा है वह सब आप भूल जाएंगे, तो उसके बार बार रिवीजन करने की हमें आवश्यकता है। इसीलिए एक सप्ताह में 3 यहाँ पर प्रैक्टिस सेट डाले जा रहे हैं। आप लोग रोज़ प्रैक्टिस सेट देखिए और जितने भी प्रश्न आपको तैयार हैं उनका सुपर फास्ट रिवीजन करते रहिए। तो चलिए देखते हैं हम लोग टोटल 150 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं और किस में कितना है दम। पहला प्रश्न है आपके सामने की एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है। सीखने का स्थानांतरण, दूसरा ऑप्शन है सीखने की विधियां, तीसरा ऑप्शन है सीखने में रुचि, चौथा है सीखने में अभिरुचि। प्रश्न संख्या 1, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, पहला वाला सीखने में स्थानांतरण। दूसरा प्रश्न, बालक के विकास के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? पहला ऑप्शन है बालक के विकास का मापन अप्रत्यक्ष रूप से व्यवहार के माध्यम से किया जाता है। दूसरा है बालक के विकास का मापन गुणात्मक होता है। तीसरा है प्रत्येक अवस्था में बालक के विकास की गति भिन्न होती है। और चौथा ऑप्शन है अभिवृद्धि की अपेक्षा विकास एक संकुचित संप्रत्यय है। प्रश्न संख्या 2 में आप चौथा ऑप्शन ही राइट लगाएंगे। तीसरा प्रश्न देखिएगा, बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास की शुरुआत होती है। तो पहला ऑप्शन है बाल्यावस्था में, दूसरा है जन्म से पहले, तीसरा है शैशवावस्था में, चौथा है किशोरावस्था में। तीसरा प्रश्न, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट लगाएंगे, जन्म से पहले। प्रश्न संख्या 4, बहुत ही सरल प्रश्न है कि शैशवावस्था में शरीर में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं। चलिए आंसर करने की कोशिश करिएगा, आंसर सरल है और आपने पढ़ा भी है। तो शैशवावस्था में जो कुल अस्थियों की संख्या होती है आपको पता है 270 होती हैं। पांचवा प्रश्न, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? हर्ज़बर्ग द्वारा, मास्लो द्वारा, विक्टर ब्रूम द्वारा, स्किनर द्वारा। पांचवा प्रश्न, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल इसमें राइट होगा, विक्टर ब्रूम के द्वारा। प्रश्न संख्या 6, किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है, ये कथन किसका है? गैसल का है, रॉस का है, वैलेंटाइन का है या एडलर का है? तो प्रश्न संख्या 6, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, वैलेंटाइन का है। सातवां प्रश्न, बच्चे के गर्भाधान के समय निम्नलिखित कारकों में से कौन सा कारक अपना प्रभाव शुरू करते हैं? वंशानुगत कारक, सामाजिक कारक, पारिवारिक कारक या आर्थिक कारक? तो इसका पहला ऑप्शन ही बिल्कुल राइट होगा, वंशानुगत कारक। आठवां प्रश्न है, पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान सीखना किस प्रकार का अधिगम कहलाता है? क्रियात्मक अधिगम, प्रत्यक्षात्मक अधिगम, सहचर्यात्मक अधिगम या भावात्मक अधिगम? प्रश्न संख्या 8, इसमें आप राइट आंसर क्या लगाएंगे? तीसरा ऑप्शन, सहचर्यात्मक अधिगम। नवा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय अनुबंधन से संबंधित नहीं है? विलोपन, पुनरावृत्ति, सूपिंग या अस्वाभाविक उद्दीपक? प्रश्न संख्या 9, तीसरा ऑप्शन राइट होगा, सूपिंग। दसवां प्रश्न है, अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है, ये कथन है? गुटका, स्किनर का, एवरिल का या मैकडूगल का? तो इसमें दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, स्किनर का। ग्यारहवां प्रश्न है, नेत्रहीन लोगों को अंगुली और विशेष साधन के उपयोग द्वारा पढ़ने और लिखने में सहायता करता है ब्रेल पद्धति, विचार पुस्तकें, विचार प्रारंभक या उपरोक्त सभी? ग्यारहवां प्रश्न देखिएगा, पहला ऑप्शन राइट लगाएंगे, ब्रेल पद्धति। बारहवां प्रश्न है, वैज्ञानिक गुट के अनुसार सृजनशीलता के तत्व हैं मौलिकता, अनुकूलता, विचारात्मक, उपरोक्त सभी? तो इसमें आप चौथा ऑप्शन राइट लगाएंगे, उपरोक्त सभी। तेरहवां प्रश्न देखिएगा,
और 13वां प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही सरल, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। प्रश्न एक अधिगम विकलांगता जिसमें लिखावट में कठिनाई शामिल है कहलाता है, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया या ध्यान अभाव अति सक्रियता विकार। तो इसका तीसरा ऑप्शन राइट होगा, डिसग्राफिया। प्रश्न संख्या 14 है, सीखने में पलायन आधारित है, सकारात्मक पुनर्बलन पर, नकारात्मक पुनर्बलन पर, विलंबित पुनर्बलन पर या पुनर्बलन की निष्क्रियता। प्रश्न संख्या 14, दूसरा ऑप्शन आपका राइट होगा, नकारात्मक पुनर्बलन पर। 15वां प्रश्न देखिएगा, एनसीएफ 2005 के अनुसार भाषाई अल्पसंख्यक बाले वर्गों के बच्चों को शिक्षा किस भाषा में दी जानी चाहिए, अंग्रेजी, हिंदी उनकी मातृभाषा या संस्कृत में। तो इसका तीसरा ऑप्शन राइट लगाएंगे, उनकी मातृभाषा में। 16वां प्रश्न, शिक्षण कार्य प्रारंभ करने से पहले शिक्षक को छात्रों को खड़ा करना चाहिए, दूसरा छात्रों को मानसिक रूप से तैयार करना चाहिए, तीसरा श्यामपट को साफ करना चाहिए या चौथा छात्रों को चुप रहने के लिए कहना चाहिए। 16वां प्रश्न दूसरा ऑप्शन एकदम करेक्ट। 17वां प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित संरचनाओं में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है, समावेशी शिक्षा की, पृथककरण की, मुख्य धारा शिक्षण की या एकीकृत शिक्षा की। तो पहला ऑप्शन इसका राइट होगा, समावेशी शिक्षा की। 18वां प्रश्न बहुत ही सरल, बहुत ही इंपॉर्टेंट, प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि होती है 90 से 110, 80 से 90, 140 या अधिक या 70 से कम। प्रश्न संख्या 18, आपका राइट आंसर तीसरा होगा, 140 या उससे अधिक। 19वां प्रश्न देखिएगा, व्यक्ति को दैनिक जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान करने हेतु दिया गया निर्देशन कहलाता है, व्यक्तिगत निर्देशन, शैक्षिक निर्देशन, स्वास्थ्य निर्देशन या व्यावसायिक निर्देशन। तो प्रश्न संख्या 19 है और इसमें आप राइट आंसर क्या लगाएंगे, पहला ही ऑप्शन, व्यक्तिगत निर्देशन। 20वां प्रश्न, मुस्लिम काल में बालक का किस आयु में बिस्मिल्ला संस्कार होता है, 3 वर्ष 3 माह और 15 दिन, 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन, 5 वर्ष 5 माह और 5 दिन, 5 वर्ष 5 माह और 5 दिन। तो देखिए 20वां प्रश्न है और इसमें दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन में बिस्मिल्ला संस्कार होता है मुस्लिम काल में बालक में, ठीक है। 21वां प्रश्न देखिएगा, व्यावसायिक नैतिकता के प्रकार है, प्रमाणिक नैतिकता, वर्णात्मक नैतिकता, प्रमाणिक व वर्णात्मक दोनों, सामाजिक नैतिकता। तो प्रश्न संख्या 21 में आप तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट लगाएंगे, प्रमाणिक और वर्णात्मक दोनों। 22वां प्रश्न, कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का सबसे अच्छा तरीका होगा, व्याख्यान विधि, सृजनात्मक क्रियाकलाप, समूह वार्तालाप, प्रयोगशाला विधि। तो प्रश्न संख्या 22 में आप ऑप्शन नंबर दूसरा लगाएंगे, ठीक है, सृजनात्मकता, सृजनात्मक क्रियाकलाप। 23वां प्रश्न, रॉबर्ट गैने ने अधिगम के प्रकार किस आकृति में प्रस्तुत किए, वर्गाकार, वृत्ताकार, पतंगाकार या पिरामिडाकार। तो 23वां प्रश्न और चौथा ऑप्शन राइट होगा, पिरामिडाकार। 24वां प्रश्न, सतत और समग्र मूल्यांकन में निम्नलिखित में से कौन सा घटक नहीं है, विद्यार्थी के लिए उपयोगी परंतु शिक्षक के लिए भार हो, दूसरा शिक्षण में शिक्षक और शिक्षार्थियों के बीच निकट संबंध आवश्यक है, CCE शिक्षक के दौरान भी संभव है, चौथा इससे बालकों के व्यक्तित्व का विकास संभव नहीं है। 24वां प्रश्न देखिएगा और पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है, उद्दीपक, आमोद, स्मृति, ध्यान। बहुत ही सरल प्रश्न, आपको पता है आंसर करेंगे, संवेग। तो संवेग यहाँ पर क्या है, आमोद, ठीक है, आमोद। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक ने कक्षा के सभी छात्रों का पोस्ट लिया, अध्यापक ने पाया कि 35% छात्र सभी विषयों में कमजोर हैं, यहाँ अध्यापक किस प्रकार के परीक्षण की बात कर रहा है, निदानात्मक परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, उपचारात्मक शिक्षण या उपरोक्त सभी। तो 26वां प्रश्न देखिएगा, दूसरा ऑप्शन राइट होगा, उपलब्धि परीक्षण।
27वां प्रश्न, एक छात्र का विस्तृत अध्ययन जिसका उद्देश्य संबंधित छात्र को समायोजित होने में सहायता करना कहलाता है। साक्षात्कार, जांच सूची, अवलोकन या व्यक्तिवृत्त अध्ययन। 27वां प्रश्न, चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा इसमें, व्यक्तिवृत्त अध्ययन। 28वां प्रश्न, डाल्टन प्रणाली में शिक्षण कार्य होता है ठेके के रूप में, इकाई के रूप में, पाठ योजना के रूप में या शिक्षण सूक्ष्म के समान। 28वां प्रश्न, पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ठेके के रूप में। 29वां प्रश्न, जीन प्याजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बालक होते हैं आत्म केंद्रित, पर केंद्रित, जटिल सामाजिक, तो इसमें पहला ही ऑप्शन आप राइट लगा देंगे, आत्म केंद्रित। 30वां प्रश्न, व्यक्ति विभिन्नता के प्रभाव को कम करने का तरीका, बच्चों को निम्नलिखित की अनुमति देना है, अलग अलग समूह में काम करने की, दूसरा एक दूसरे पर जीत हासिल करने की, तीसरा एक दूसरे के साथ मेलजोल बढ़ाने की, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें देखिए तीसरा ऑप्शन राइट लगा देंगे, एक दूसरे के साथ मेलजोल बढ़ाने की। 31वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, सियाल में ग्रेनाइट एवं नीस जैसी चट्टानों की प्रधानता है, सीमा का निर्माण मुख्यतः बेसाल्ट और ग्रेवो जैसी चट्टानों से हुआ है, क्रोड में निकल और लोहा जैसे तत्वों की अधिकता है, चौथा है उपरोक्त सभी। तो देखिए यहाँ पर जो प्रश्न संख्या 31 है, चौथा ऑप्शन राइट होगा, उपरोक्त सभी। 32वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी जलधारा है, ब्राजील जलधारा, बेंजुला जलधारा, सोमालिया जलधारा या प्रति विषुवीय जलधारा, दूसरा ऑप्शन राइट होगा, बेंगुला जलधारा। 33वां प्रश्न, निम्नलिखित राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को क्षेत्रफल के अनुसार बड़े से छोटे क्रम में सजाइए, गोवा, दिल्ली, सिक्किम, अंडमान, निकोबार द्वीप समूह। 33वां प्रश्न देखिए, और इसमें जो कूट है वो पहला ऑप्शन राइट होगा, डी सी बी ए, ठीक है, पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे और चौथे नंबर पे। 34वां प्रश्न, भारत में आने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति कहाँ से होती है, लाल सागर, काला सागर, भूमध्य सागर या अरब सागर, 34वां प्रश्न। चलिए आंसर करिएगा, और यहाँ पर अगर आप तीसरा ऑप्शन राइट लगाएंगे, भूमध्य सागर, आंसर बिल्कुल करेक्ट लगाएंगे, तीसरा ही सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारण बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी नहीं है, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, कौशल का अभाव, जनशक्ति नियोजन का अभाव या तीव्र जनसंख्या वृद्धि, 35वां प्रश्न। पहला ही ऑप्शन राइट होगा, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। 36वां प्रश्न, अधिकतम कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर आधारित कौन सी अर्थव्यवस्था होती है, समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था या खुली अर्थव्यवस्था, 36वां प्रश्न। तो देखिएगा यहाँ पर पहला ऑप्शन राइट लगाएंगे, समाजवादी अर्थव्यवस्था। 37वां प्रश्न, विश्व बैंक के उधार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की किसे कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या विश्व व्यापार संगठन, 37वां प्रश्न, दूसरा बिल्कुल करेक्ट होगा, अंतर्राष्ट्रीय विकास एवं संघ। 38वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ष में विश्व बैंक द्वारा आय के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण किया गया, वर्ष 2015 में, वर्ष 2016 में, वर्ष 2017 में, वर्ष 2018 में। तो देखिए इसमें तीसरा ऑप्शन राइट होगा, वर्ष 2017 में। 39वां प्रश्न देखिएगा, दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से किस आंदोलन को जाना जाता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, डांडी मार्च या व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन, 39वां प्रश्न देखिएगा, चौथा ऑप्शन राइट होगा, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन। 40वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध थे, चंद्रशेखर आजाद, दादा भाई नौरोजी, चित्तरंजन दास या एनी बेसेंट, तो इसमें तीसरा ऑप्शन राइट होगा, चित्तरंजन दास। 41वां प्रश्न, महात्मा गांधी ने डांडी यात्रा किस आदर्श वाक्य के साथ आरंभ की थी, अभी अथवा कभी नहीं, अंत तक लड़ो, करो या मरो, विजय अथवा मौत। तो देखिए सरल प्रश्न है, आपको पता ही है, अंत तक लड़ो, ये बिल्कुल सही आंसर होगा 41वां। 42वां प्रश्न, भारत के विभाजन के विकल्प के रूप में गांधी जी ने माउंट बेटन को क्या सुझाया था, वे मोहम्मद अली जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें, दूसरा सेना को कुछ समय के लिए अधिकार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करें, तीसरा स्वतंत्रता प्रदान करने के कार्य को स्थगित करें या पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मोहम्मद अली जिन्ना को
साथ साथ सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें। 42वां प्रश्न देखिएगा और पहला ही ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। 43वां प्रश्न है, 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तात्या टोपे, कुंवर सिंह, मंगल पांडे, नाना। 43वां प्रश्न और राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे? जी हाँ, पहला ही ऑप्शन तात्या टोपे। 44वां प्रश्न, वर्ष 1935 के अधिनियम को दास्ता का चार्टर किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, M.N. जिन्ना या महात्मा गांधी। 44वां प्रश्न, पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा इसमें, पंडित जवाहरलाल नेहरू। 45वां प्रश्न, भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती है जन्म द्वारा, देशीयकरण द्वारा, किसी भूभाग में सम्मिलित द्वारा या भारतीय बैंक में धन जमा करके। 45वां प्रश्न, चौथा ऑप्शन राइट होगा, भारतीय बैंक में धन जमा करके। 46वां प्रश्न है, संसद के सदस्य की निर्हारता से संबंधित प्रश्न का विश्वसनीय करते समय राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसकी राय प्राप्त करेगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश की, भारत के निर्वाचन आयोग की, भारत के महान्यायवादी की या लोकसभा अध्यक्ष की। 46वां प्रश्न देखिएगा और राइट आंसर क्या लगाएंगे? दूसरा ऑप्शन, भारत के निर्वाचन आयोग की। 47वां प्रश्न, पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या थी? ग्राम स्तर पर स्थानीय श्वसन की एक स्तरीय संरचना, ग्राम और खंड स्तर पर स्थानीय श्वसन की दो स्तरीय संरचना, ग्राम खंड और जिला स्तर पर स्थानीय श्वसन की तीन स्तरीय संरचना, चौथा ग्राम खंड जिला और राज्य स्तर पर स्थानीय श्वसन की चतुर्थ स्तरीय संरचना। 47वां प्रश्न देखिएगा और तीसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट लगा देंगे, ग्राम खंड और जिला स्तर पर स्थानीय श्वसन की त्रिस्तरीय संरचना। 48वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद के तहत किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 170, अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 168 या अनुच्छेद 167। 48वां प्रश्न है और दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट लगाएंगे, अनुच्छेद 169। 49वां प्रश्न, बटेश्वर नामक स्थान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला ऑप्शन है, बटेश्वर यमुना के तट पर स्थित मंदिरों का शहर है। दूसरा, बटेश्वर अपने वार्षिक पशु मेले के लिए प्रसिद्ध है। तीसरा, बटेश्वर 22वें जैन धर्म तीर्थकर नेमीचंद का जन्म स्थान है। चौथा, उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है? तो पहला केवल ए और बी, दूसरा केवल बी, तीसरा बी तथा सी, चौथा उपरोक्त सभी। तो देखिए प्रश्न संख्या यहाँ पर 49 है और 49 वाले प्रश्न में आप क्या लगाएंगे? चौथा ही ऑप्शन लगा देंगे, उपरोक्त सभी। 50वां प्रश्न देखिएगा, व्यापारी के लिए ब्याज माफी योजना किस प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, गोवा, उत्तर प्रदेश। 50वां प्रश्न और चौथा ऑप्शन राइट होगा, उत्तर प्रदेश। 51 वाला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में वर्तमान का कितनी महिला राज्यपाल के कार्यभार ग्रहण किया? 1, 2, 3 या 4। तो प्रश्न संख्या 51 और इसमें आप राइट आंसर क्या लगाएंगे? दूसरा ऑप्शन 2। 52वां प्रश्न है, 29वें हुनर हाट का आयोजन प्रदेश के किस जिले में किया गया? जालौन, रामपुर, प्रयागराज, गोरखपुर। तो इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, रामपुर में। 53वां प्रश्न संख्या 53 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जैव भंडार विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व भारत में शामिल नहीं है? नंदा देवी, सुंदरबन, कार्बेट या मन्नार की खाड़ी। तो प्रश्न संख्या 53 में आपका राइट आंसर तीसरा होगा, कार्बेट नेशनल पार्क। 54वां प्रश्न है, भारत में CCS कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज की गतिविधियां किस मंत्रालय से जुड़ी हैं? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, वन पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो प्रश्न संख्या 54 में आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। 55वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? रॉकेट ईंधन, कैरोसिन तेल, ओजोन, क्लोरोफ्लोरो, ग्रीन हाउस गैस प्रभाव, कार्बन डाइऑक्साइड, अम्ल वर्षा, नाइट्रिक एसिड। 55वां प्रश्न देखिएगा और सही आंसर चौथा होगा। अगला प्रश्न 56वां प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत बार आपके लिए बताया भी गया है, 1 MB 2 MB। तो ये बताना है कि 2 MB किसके समतुल्य यानी कि बराबर है? तो ये है 1024 बाइट्स के बराबर। 57वां प्रश्न, लिनक्स में आप अपने सिस्टम में नए यूज़र कैसे ऐड कर सकते हैं?
यूजर ऐड का उपयोग करके ऐड यूजर का उपयोग करके इनू एक्स कॉन्फ के द्वारा उपयोग करके या उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर राइट लगाएंगे। 58 वाला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी नेटवर्क को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? स्पाइवेयर, HTML, फायरवॉल, स्पैमिंग। तो प्रश्न संख्या 58 है और राइट आंसर आपका तीसरा होगा, फायरवॉल। प्रश्न संख्या 59 है, MS Word। 2007 में एक नए डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने के लिए डॉक्यूमेंट्स को वांछित स्टाइल में फॉर्मेट तथा उसका एक्सटेंशन होगा .domex, .docx, .doct, .doem। प्रश्न संख्या 59, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, .docx। 60वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आईपी एड्रेस में डिफ़ॉल्ट के आधार पर सर्वाधिक हॉस्ट एड्रेस उपलब्ध होता है? ए, बी, सी या ए और बी। प्रश्न संख्या 60, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, ए। अगला प्रश्न देखिएगा, त्वेन दरिद्रम वस्त्राणि देही में दरिद्रम यदि अशुद्ध है तो उसका शुद्ध प्रतिपादिक क्या होगा? दरिद्र भी, दरिद्रयाम, दरिद्रेभ्य या न को अपी। प्रश्न संख्या 61, तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट लगाएंगे, दरिद्रेभ्य। 62वां प्रश्न है, हरिद्यम जिसमें निस्पंदन है वह है, यण, हल, गुण या विसर्ग। तो प्रश्न संख्या 62 में आपका चौथा ऑप्शन राइट होगा, विसर्ग। 63वां प्रश्न है, साला ऊष्मणयान में कितने वर्ण चर्चित हुए हैं? 2, 5, 7 या 4। तो इसका चौथा ऑप्शन राइट होगा, 4। 64वां प्रश्न, यहाँ प्रयुक्त प्रत्यय किस पद में प्रयुक्त है? स्पष्टता, शुष्का, प्रेक्षा या जनका। 64वां प्रश्न, दूसरा बिल्कुल इसमें राइट होगा, शुष्का, ठीक है। 65वां प्रश्न है, चक्र मुक्ता निष्पन्न है अव्ययीभाव में, द्वंद में, तत्पुरुष में या बहुव्रीहि में। 65वां प्रश्न देखिएगा, तीसरा ऑप्शन राइट होगा, तत्पुरुष समास में। 66वां प्रश्न, कंठा सुधा बस्ती वे खलु सज्जना नाम में प्रयुक्त निश्चयवाचक निपात है, सुधा बस्ती नमा या खलु। 66वां प्रश्न, चौथा ऑप्शन राइट होगा, खलु। 67वां प्रश्न, धूम ज्योति सिलील मारुता सन्नी पाता क्वा मेगा उपरोक्त पंक्ति में निहित छंद है, बसंत तालिका द्रुत विलंबतम उपजाति मंदा क्रांता। प्रश्न संख्या 67, तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर चौथा होगा, मंदा क्रांता। 68वां प्रश्न, काव्य सात्रा विनोदेन काले गच्छति धीमताम व्यासनेन तू मूर्खणा निद्रा कलहेन वा। पद्यांश अनुसार बुद्धिहीन व्यक्तियों का समय व्यतीत होता है निद्रा में, कलह में, बुरी आदत में, उपरोक्त सभी में। तो 68वां प्रश्न देखिएगा और चौथा ऑप्शन राइट होगा, उपरोक्त सभी में। 69वां प्रश्न है, भवदीन भवादिगण अनुज्ञा मध्यम पुरुष बहुवचन आत्मनिपेद का जिस प्रतिपादक से संबंध है वह है, सेवांताम, सेवमहे, सेवधाम या सेवेथाम। प्रश्न संख्या 69, राइट आंसर तीसरा होगा, सेव ध्यभ्याम। 70वां प्रश्न है, कितने अडंग अभिज्ञान शाकुंतलम में नियत हैं? 7, 6, 8, 7 या 5। तो प्रश्न संख्या 70 यहाँ पर तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, 7। 71वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असंगत है? क, ख, अल्प्राण, घाटा महाप्राण, गाजा घोष या काफा आघोष। तो देखिए पहला ऑप्शन राइट होगा, काखा अल्प्राण। 72वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? तुरिया, तुरिया जुलहो का एक औजार, ब्रह्मा में लीन होने की स्थिति, तम, तमा अंधकार रात्रि, तलाक, तड़ाक विवाह, अनुच्छेद शीघ्र, दब द्रव्य, द्रव्य धन तरल पदार्थ। तो यहाँ पर जो युग्म सही नहीं है वो क्या है? वह है आपका चौथा। 73वां प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है? मित्रता, पंडित, इच्छा, चलना। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर पहला होगा, मित्रता। 74वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही प्रयुक्त हुआ है? सीता द्वारा कहानी पढ़ी गई, क,
कर्मवाच सीता ने कहानी पढ़ी, भाववाच मित्र विपरीत समय में मदद करते हैं, कर्मवाच बच्चों के द्वारा खेला जाएगा कृतवाच। 74वां प्रश्न देखिएगा और पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। 75वां प्रश्न निम्नलिखित संगत है, विवरण चिन्ह, हंस पद चिन्ह, लाघव चिन्ह, उपरोक्त सभी। तो 75वां प्रश्न देखिएगा, पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, विवरण चिन्ह। 76वां प्रश्न निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी तद्भव है, शक्कर सौ छकड़ा, शशि शास्य वृषभ, वेदन वैरागी बिष्ट, बिगाड़ बिजली बाद। तो प्रश्न संख्या 76 में पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, शक्कर सौ छकड़ा। 77वां प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कला शब्द का अनेकार्थक शब्द है, अंश लीला, पहला और दूसरा दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों। 78वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द केसर का पर्यायवाची नहीं है, जाफरान, पिनाक, मकरंद या उपरोक्त सभी। तो प्रश्न संख्या 78, तीसरा ऑप्शन राइट होगा, मकरंद। 79वां प्रश्न निम्नलिखित में से सनातनी का उपयुक्त विलोम शब्द है, प्रगतिवादी, पंथोन्मुख, प्राय, परलोक। तो देखिए 79वां प्रश्न और पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, प्रगतिवादी। 80वां प्रश्न विच्छेद शब्द का सही संधि विच्छेद है, विधन छेद, वित्त धन छेद, वेद धन छेद, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका राइट होगा, विधन छेद। 81वां प्रश्न अकाल पीड़ित में कौन सा समास है, कर्म तत्पुरुष समास, कर्ण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास। 81वां प्रश्न देखिएगा और दूसरा ऑप्शन राइट होगा, कर्ण तत्पुरुष समास। 82वां प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सम उपसर्ग से निर्मित नहीं है, संकट, संग्रह, सज्जन या सच। 82वां प्रश्न तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, सज्जन। 83वां प्रश्न, पिताजी बस के द्वारा आगरा गए वाक्य में प्रयुक्त कारक है, कर्ता कारक, कर्म कारक, अपादान कारक या कर्ण कारक। तो इसमें चौथा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, कर्ण कारक। 84वां प्रश्न, आपका इस समय शहर जाना उचित नहीं है वाक्य में है, अज्ञार्थक, निषेधार्थक, प्रश्नवाचक या विधानार्थक। 84वां प्रश्न दूसरा बिल्कुल राइट होगा, निषेधार्थक। 85वां प्रश्न, शीशे में मुंह देखना मुहावरे का सही अर्थ या भावार्थ किस विकल्प में है, अपनी योग्यता अयोग्यता पहचानना, ऊपर से मधुर भीतर से कटु, अत्यंत कठिन काम करना या प्रभुत्व स्वीकार करना। 85वां प्रश्न देखिएगा और पहला ही ऑप्शन आप इसमें राइट लगाएंगे। 86वां प्रश्न, एक सादे सब सदे लोकति का सही अर्थ क्या है, तो एक सादे सब सदे, बिल्कुल सही आंसर आप लगा चुके हैं। इसमें आपका जो दूसरा ऑप्शन आप देख रहे हैं, मुख्य कार्य की ओर ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद में ये अवतरण है और 87 से 90 तक इसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे, बहुत ही ध्यान के साथ इस अवतरण को पढ़ते हैं, आंसर करने की आप कोशिश करेंगे। अवतरण है, आज शिक्षक की भूमिका उपदेशक या ज्ञानदाता की नहीं है रही, वह तो मात्र एक प्रेरक है, शिक्षार्थी स्वयं सीख सकें, उनके किशोर मानस को ध्यान में रखकर शिक्षक को अपने शिक्षण कार्य के दौरान अध्ययन अध्यापन की परंपरागत विधियों से दो कदम आगे जाना पड़ेगा, ताकि शिक्षार्थी समकालीन यथार्थ और दिन प्रतिदिन बदलते जीवन की चुनौतियों के बीच मानव मूल्यों के प्रति अडिग आस्था बनाए रखने की प्रेरणा ग्रहण कर सकें, पाठ्यगत बाधाओं को दूर करते हुए विद्यार्थी की सहभागिता को सही दिशा प्रदान करने का कार्य शिक्षक ही कर सकता है। भाषा शिक्षण की कोई एक विधि नहीं है, हो सकती है जैसे मध्यकालीन कविता में अलंकार, छंद, विधीन, विधान, तुक आदि के प्रति आग्रह था, किंतु आज लय और प्रवाह का महत्व है। कविता पढ़ाते समय कवि की युग चेतना के प्रति सजगता समझना आवश्यक है, निबंध में लेखक के दृष्टिकोण और भाषा शैली का महत्व है और शिक्षार्थी को अर्थ ग्रहण की योग्यता का विकास जरूरी है। कहानी के भीतर अनेक कहानियों को पहचानने और उन सूत्रों को पल्लवित करने का अभ्यास शिक्षार्थी की कल्पना और अभिव्यक्ति कौशल को बढ़ाने के लिए उपयोगी हो सकता है। कभी कभी कहानी का नाटक में विधा परिवर्तन कर उसका मंचन किया जा सकता है। मूल्यांकन वस्तुता सीखने की एक प्रणाली है, ऐसी प्रणाली जो रटन प्रणाली से मुक्ति दिला सके। परंपरागत सांचे का अनुपालन ना करें,
अपना ढांचा निर्मित कर सके, इसलिए वह गांठ बांध लेना आवश्यक है कि भाषा और साहित्य के प्रश्न बदे बदाए उत्तरों तक सीमित नहीं हो सकते। शिक्षक पूर्व निर्धारित उत्तर की अपेक्षा नहीं कर सकता। विद्यार्थियों के उत्तर सांचे से हटकर किंतु तर्क संगत हो सकते हैं और सही भी। इसे खुलेपन की चुनौती को स्वीकारना आवश्यक है। तो देखिए 87वां प्रश्न है कि शिक्षक से किस प्रकार की बाधाएं दूर करने की अपेक्षा की गई है। तो बिल्कुल सही आंसर पहचानने की कोशिश करेंगे आप। पाठ्यक्रम से जुड़ी हुई, पाठ पढ़ाते हुए आने वाली, पाठ प्रस्तुत की संबंधित या पाठ के भीतर से उभरने वाली। तो आपने अभी गद्यांश में पढ़ा था, इसमें जो चौथा वाला ऑप्शन आप देख रहे हैं, पाठ के भीतर से उभरने वाली, इन बाधाओं को दूर करने की अपेक्षा की गई है शिक्षक के द्वारा। 88वां प्रश्न है विद्यार्थी के लिए गद्यांश में प्रयुक्त अन्य पर्यायवाची शब्द है किशोर, मानस, अध्यापक, अध्येता, शिक्षार्थी, छात्र या सहभागी परीक्षार्थी। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, शिक्षार्थी छात्र। देखिए 89वां प्रश्न है सहभागिता शब्द का निर्माण किस उपसर्ग का और प्रत्यय से हुआ, सहिता, सहदंता, सहदंता या सहदनिता। तो देखिए 89वां प्रश्न तीसरा बिल्कुल सही होगा। 90वां प्रश्न देखेंगे गद्यांश में प्रयुक्त समकालीन शब्द का सबसे उपयुक्त अर्थ होगा वर्तमान, आधुनिक, आकस्मिक या समसामयिक। तो इसमें आपका चौथा ऑप्शन राइट होगा, समसामयिक। प्रश्न संख्या 91, निम्नलिखित में से कौन सा इत प्रत्यय से बना शब्द नहीं है, लिखित, चिंतित, कथित या इंसानियत। प्रश्न संख्या 91, चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा, इंसानियत। इसके बाद में इंग्लिश से प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट प्री पोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंस, इट इज हैज बीन रनिंग 3 आवर्स सिंस, फॉर, फ्रॉम या डूरिंग। तो देखिए यहाँ पर आप दूसरा ऑप्शन राइट लगाएंगे, फॉर, ठीक है। फाइंड आउट द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस, सब्जेक्ट बताना है इस सेंटेंस में, ए मैन वॉकिंग एलोन ऑन द रोड एट मिडनाइट फॉलोड बाई द थीप रॉबिड हिम विद ऑल ही हैड पॉसेस्ड, ए थीप, ए मैन, हिम या ही। तो 93 में आपका जो राइट आंसर होगा दूसरा होगा, ए मैन, यही आपका सब्जेक्ट है। प्रश्न संख्या 94, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इनकरेक्ट, गलत वाला बताना है कौन सा, ही रन फास्टली टू कैच द बस, सी कट ए पेपर विद स्केचर्स, ब्रेवो, यू हैव डन वेल, दे प्रॉमिस्ड अस टू मीट नेक्स्ट संडे। तो 94 वाला प्रश्न, इसमें आपका राइट आंसर पहला ही होगा, यही इनकरेक्ट है, ठीक है। प्रश्न संख्या 95 देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक विद प्रॉपर प्रीपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंस, मिस्टर देव टीच इंग्लिश वेल, मैथमेटिक्स, अक्रॉस, बीसाइड्स, बोथ या बीसाइड। प्रश्न संख्या 95, इसमें आपका राइट आंसर दूसरा होगा, बीसाइड्स। 96 वाला प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट कंजक्शन इन द फॉलोइंग सेंटेंस, बी नो। प्रश्न संख्या 96 देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएट कंजक्शन इन द फॉलोइंग सेंटेंस, तो बी नो, द सिटी खालिस्तान है, द ताजमहल इज सिट्यूटेड, भाट, भैन, भेर या भिज। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा, तीसरा ऑप्शन, भेर। इसके बाद में यहाँ पर डायरेक्शन दिया है 97 से 101 तक प्रश्न मिलेंगे आपके लिए। सबसे पहले आपको ये पूरा स्टैंजा पढ़ना होगा, पैसेज पढ़ना होगा। पैसेज है सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग इन द इट्स ब्रोडेस्ट मीनिंग डिस्क्राइब इंडिविजुअल्स टेक द इन इंटीबेट विद ए विदाउट द हेल्प ऑफ अदर इन द डायग्नोसिंग देयर लर्निंग नीड्स फार्मुलेशन ऑफ लर्निंग गोल्स आइडेंटिफाइंग रिसोर्सेज फॉर लर्निंग प्रोसेस इन विद चूसिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग लर्निंग स्ट्रैटेजीज एंड एवलुएटिंग लर्निंग आउटकम्स, दस इट इज इम्पॉर्टेंट टू अटेन न्यू नॉलेज ईजिली एंड स्किलफुली फॉर द रेस्ट ऑफ हिज हर लाइफ। What is the need for self-directed learning? One reason is that there is convincing evidence that people
who take that intuitively in learning learn more things and learn better than pupil waiting to be taught. The second reason is that self-directed learning is more in tune with our natural process of psychological development and essential aspect of maturing is developing the ability to take increasing responsibility of our own lives to become increasing self-directed. The third reason is that many of the new development in education put a heavy responsibility the learner to take a good deal of intuitive in their own learning to meet the challenges in today's interactive environment. Self-directed learning is most essential. तो पहला आपने पढ़ा, देखिए इन सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग एन इंडिविजुअल टेक इंटीटिव विद ए विदाउट टू हेल्प ऑफ अदर्स. दूसरा ए पैसिव एंड वेट फॉर डायरेक्शन. तीसरा ए हेल्पनेस एंड डिपेंड टेक इनवाइटेड विद एन ऑब्जेक्टिव. तो चार ऑप्शन आपने पढ़े और इसमें से जो पहला ये ऑप्शन आप देख रहे हैं वही बिल्कुल करेक्ट होगा. 98 वाला प्रश्न है कि देयर इज नीड फॉर सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग बिकॉज. पहला ऑप्शन है यहाँ पर कि इट लेस चैलेंजिंग. दूसरा इट हेल्प पीपल टू लर्न मोर थिंग्स एंड लर्न बेटर. तीसरा इट इज मोर कॉस्ट इफेक्टिव मेथड. चौथा इट इज एन मॉडर्न मेथड ऑफ लर्निंग. तो 98 वाला प्रश्न देखिएगा और इसमें आप दूसरा ऑप्शन सही लगा देंगे. 99 वाला प्रश्न है विच वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग. एक्टिव लर्निंग, पैसिव लर्निंग, कंपलसरी लर्निंग या रीप्लोसिंग लर्निंग. 99 वाला प्रश्न देखिए, पहला ही ऑप्शन राइट होगा एक्टिव लर्निंग. 100वां प्रश्न द मॉडर्न एनवायरनमेंट अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज रिस्ट्रैक्टिव इंट्रैक्टिव लेस डेवलप्ड या इम्प्रेटिकेबल. तो यहाँ पर आप भैया क्या ऑप्शन लगाएंगे? जी हाँ बिल्कुल दूसरा ऑप्शन इंट्रक्टिव. 101वां प्रश्न द सिनोनिम ऑफ द वर्ड डायग्नोसिंग इज सर्चिंग एग्जामिनिंग आइडेंटिफाइंग या कंप्लेन. तो तीसरा ऑप्शन राइट होगा आइडेंटिफाई. इसके बाद में ये देखिए गणित से प्रश्न है और गणित के प्रश्न आप विस्तार से देखने के लिए हमारी जो प्लेलिस्ट है उसको चेक कर सकते हैं. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. यहाँ पर केवल हम आपके लिए वही ऑप्शन सही बताते हुए चलेंगे जो बिल्कुल सही है, बाकी आप सॉल्व करके और अच्छे से इसको चेक कर सकते हैं. तो देखिए 102वां प्रश्न है यदि 235 पेनों की कीमत 28,200 रुपये है तो बताइए 5 दर्जनों पेनों की कीमत कितनी होगी. तो 5 दर्जन पेनों की अगर इनसे आप गुणा कर देंगे निकल के आ ही जाएगा. बहुत ही सिंपल और इजी है, 7,200 रुपये. 103वां प्रश्न देखिएगा 0.8585 खालिस्तान की भिन्नात्मक संकेत पद्धति क्या होगी. तो इसमें निकल के आएगा इसका आंसर तीसरा वाला 481/99. 104वां प्रश्न है 4,000 का 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज प्रति छमाही देय हो. तो इसमें देखिए जो ऑप्शन दिए हुए हैं बिल्कुल तीसरा ऑप्शन राइट होगा 44,100. 105वां प्रश्न एक परीक्षा में 120 छात्रों के अंकों का औसत 35 है यदि उत्तीर्ण होने वाले छात्रों के अंकों का औसत 39 है तो अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों के अंकों का औसत 15 हो तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या कितनी होगी. तो भैया यहाँ पर जो सही आंसर निकल के आएगा वो आएगा 100. ठीक है. 106वां प्रश्न है यदि किसी वृत्त की परिधि एवं वर्ग के परिमाप बराबर हैं तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात होगा. पाई बराबर 22/7 होता है. आपने बहुत बार पढ़ा भी है और याद भी है आपके लिए. तो यहाँ पर जो सही आंसर आएगा वो आएगा आपका 14:11. 107वां प्रश्न नीचे दिए गए असत आंकड़ों के आवृत्ति वितरण में मान 0 के सामने आवृत्ति एक्स अनु उपलब्ध है तो अगर माध्य 2.5 है तो एक्स ज्ञात करेंगे. तो भैया एक्स निकल के यहाँ पर क्या आएगा आपको बिल्कुल 4 आएगा. ठीक है. तो चौथा वाला बिल्कुल राइट होगा.
संख्या दी हुई है 3.4625 में दो का स्थानीय मान। बहुत ही सरल प्रश्न और ये निकल के आएगा दो सही, 2/1000। 109वां प्रश्न, एक वस्तु की कीमत लगातार दो बार 10% क्रमागत वृद्धि की गई है, पुनः वस्तु की आरंभिक कीमत प्राप्त करने के लिए बढ़ी हुई कीमत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। तो यहाँ पर भैया आप 17.36% की कमी करेंगे। 110वां प्रश्न, 1600 की धनराशि पर 2 वर्ष 3 महीने का साधारण ब्याज 252 ब्याज की दर है, तो इसमें से जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 7%। 111वां प्रश्न देखिए, ये जी कॉस की 4a - sin की 4a = x है, तो x का मान क्या होगा? बिल्कुल आपको इसमें जब सॉल्व करेंगे तो 2cos² a - 1 आ जाएगा। फिर 112वां प्रश्न देखिए, और ये प्रश्न दिया है और बिल्कुल इसको अगर आप अच्छे से ज्ञात करेंगे तो इसका जो मान निकल के आएगा वह निकल के आएगा क्या आएगा देखिए, चौथा ऑप्शन होगा 1.70। हरिता ने एक प्लाट 1,20,000 रुपये में ठीक है ख़रीदा है, उसने प्लाट 2/7% की हानि तथा प्लाट का शेष भाग हरिता कितने में बेचे कि हरिता को पूरे सौदे में 15% लाभ हो जाए। तो लाभ हानि का प्रश्न है और इसमें चौथा ऑप्शन राइट होगा 23.8%। गुणनखंड दिया है देखिए, 2 की 3 + 2 की 4 + 2 की 5 + 2 की 6 के सभी गुणनखंडों का योग कितना होगा? तो यहाँ पर योग अगर बात करेंगे निकालेंगे तो ये निकल के आएगा आपका 360। वहीं 115वां प्रश्न, यदि त्रिभुज के तीनों कोण इस तरह से दिए हुए हैं तो ये कौन सा कोण है? तो ये कोण आपका बनेगा समबाहु। 116वां प्रश्न, यदि x + 2/x = 2 है तो x² + x + 2/x² × 2 - x का मान बताना है। तो यहाँ पर निकल के जो आएगा आंसर इसका वह आएगा 4 वाला, ठीक है, यहाँ 4 वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, 3/2। वहीं अगला प्रश्न देखिए, 1/36.18 = 0.0776 हो तो 1/0.0036 का मान क्या होगा? तो 117वां प्रश्न देखिए और इसमें राइट आंसर तीसरा आएगा 2760। 118 में एक संख्या है जो एक अंक को 6 बार यानी कि 6 बार 1 और 6 बार 2 लिखे हुए बनाई गई है, ऐसी संख्या सदैव विभाजित होती हैं, तो ये संख्या किससे विभाजित हो जाएंगी? 7, 11 और 13 से, ठीक है। 19वां प्रश्न देखिए, ए तथा बी की तुलना में 140 रुपये अधिक और सी की आय डी की तुलना में 80 से अधिक है, यदि ए और सी की आय अनुपात 2:3 है तथा बी और डी की आय अनुपात 1:2 है, तो ए बी सी और डी का आय क्रमशः कितनी होगी? 119वां प्रश्न देखिए, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा आपका 4,000 रुपये, 260 रुपये और 600 रुपये, 520 रुपये। वहीं अगला प्रश्न देखिएगा, मान बताना है और ऐसे प्रश्न बहुत सरल होते हैं, सही से समझेंगे तो बिल्कुल आप मान लगाएंगे, ठीक, पाँचवें में मतलब चौथा ऑप्शन और 5 आएगा इसका मान, ठीक है। वहीं अगला प्रश्न है, गीता और 30 मीटर चौड़ा 40 मीटर लंबा और 20 मीटर गहरा आयताकार कुआं खोदना चाहती है जिसका खुला सिरा ज़मीन पर रहेगा, वह अंदर से निकली मिट्टी को कुएं के चारों ओर 1 मीटर समान चौड़ाई और ज़मीन की 0.5 मीटर ऊंची दीवार बनाना चाहती है, दीवार बनने के बाद कितनी अतिरिक्त मिट्टी बची हुई है? तो देखिए 121वां प्रश्न है, यहाँ पर चौथा ऑप्शन राइट होगा। 122वां प्रश्न, 26 जनवरी 1996 को शुक्रवार हो तो 15 अगस्त 2000 को कौन सा बार होगा या बताना है? तो देखिए 122वां प्रश्न बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका पहला हो जाएगा मंगलवार। 123वां प्रश्न देखिएगा, 40 छात्रों की पंक्ति में ए बाएं से 25वें और बी दाएं से 25वें स्थान पर है, बताइए ए और बी के बीच कितने उम्मीदवार बैठे हैं? तो यहाँ पर उम्मीदवारों की संख्या निकल के आएगी 8। 24वां प्रश्न, 124वां, यहाँ पर देखिए खाली स्थान भरना है और श्रृंखला दी हुई है, रीजनिंग का प्रश्न है, BM - TB, तो यहाँ पर अगर आप जो भरेंगे इसमें श्रृंखला में बिल्कुल आप निकाल के देखिएगा और यहाँ पर जो सही आंसर आएगा वो आएगा पहला ऑप्शन।
गायक शिक्षिका तथा व्यवसाय के लिए मध्य संबंध दर्शाने वाला आरेख कौन सा है इसमें? तो यहाँ पर देखिए चौथा ऑप्शन जाएंगे आप, ये रहा, ठीक है, बिल्कुल एक दूसरे से क्या ये कनेक्टेड है, संबंध रखने वाले हैं। निर्देश है 26 126, निम्नलिखित सूचनाओं को ध्यान से पढ़ेंगे और दिए गए प्रश्न का उत्तर लिखेंगे या देंगे, ठीक है। तो ए बी सी डी ई एक्स और वाई एक वृत्त है, चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, ए डी बाई ओर स्थान पर और एक्स डी के दाई ओर तीसरे स्थान पर है, बी डी का सबसे निकटवर्ती पड़ोसी नहीं है, एक्स वाई का सबसे निकटवर्ती पड़ोसी नहीं है, तो ई और सी के तुरंत दाएं स्थान पर है। तो प्रश्न यहाँ पर है कि ए और डी के ठीक मध्य कौन बैठा है, तो ए और डी के जो मध्य बैठेगा उस वह होगा आपका ऑप्शन पहला ही, देखिए बाई, ठीक है। 127वां प्रश्न, संघ पोरीफेरा के जंतु हैं, साइकन यूजस्पिया यूपिलेक्ला उपरोक्त सभी। 127वां प्रश्न, चौथा ऑप्शन राइट होगा उपरोक्त सभी। 128वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पर स्वाद गलिकाएं उपस्थित होती हैं, फंजी फार्मा फोलिएट फिलीफार्मिया सरकम विलेट। 128वां प्रश्न, तीसरा बिल्कुल सही होगा फिलीफार्म। 129वां प्रश्न, नौक्षी श्वसन में होने वाली ग्लाइकोलिस की प्रक्रिया कहाँ पर संपन्न होती है, कोशिका द्रव माइटोकांड्रिया ईटीएस या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या निकल के आएगा, पहला कोशिका द्रव में। 130वां प्रश्न, निम्नलिखित में से करो या मरो हार्मोन या स्त्राव कौन सी ग्रंथाकृति होती है, एंड्रील थायराइड प्यूटर या सेबिथिम। तो 130 में आपका पहला ऑप्शन राइट आएगा एंड्रील ग्रंथि। 131वां प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा तंत्रिका रोधी हार्मोन है, एसिटल क्लोनिन एपिनोफ्रीन गाबा या नार एपिक्रोन। 131वां प्रश्न और यहाँ पर तीसरा बिल्कुल सही होगा। 132वां प्रश्न, पौधे मृदा से नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं, नाइट्रेट 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 या नाइट्रोमोनस। तो 132वां प्रश्न यहाँ पर तीसरा बिल्कुल सही होगा नाइट्रेट। 133वां प्रश्न है, वृत्ताकार पथ पर गति के दौरान वस्तु पर इस पथ के केंद्र बिंदु की ओर लगने वाला बल किसके तुल्य होगा। 133वां प्रश्न यहाँ पर दूसरा बिल्कुल राइट होगा एम बी स्क्वायर बटे आर। 134वां प्रश्न, गुरुत्वीय नियतांक का मात्रक क्या है, तो देखिए गुरुत्वीय नियतांक का मात्रक आपको बताइए, न्यूटन माइनस मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर। 135वां प्रश्न, प्राकृतिक घटना ज्वार भाटा में कौन से बल की भूमिका होती है, नाभिकीय बल गुरुत्वाकर्षण बल बल घर्षण बल या अभिकेंद्रीय बल। 135वां प्रश्न राइट आंसर दूसरा होगा। 136वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, तापमान बढ़ने के साथ ध्वनि की चाल भी बढ़ती है, घनत्व बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ती है, घनत्व बढ़ने पर ध्वनि की चाल कम होती है, उपरोक्त में से असत्य और सत्य कौन सा है। तो 136वां जो प्रश्न है आपका वह होगा दूसरा, ठीक है। 137वां प्रश्न, पानी से भरे बर्तन में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, बर्फ पूरी पिघल जाने पर जल के तल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ेगा घटेगा अपरिवर्तित रहेगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो तीसरा ऑप्शन राइट होगा अपरिवर्तित रहेगा। 143वां प्रश्न देखिएगा, हाल ही में कहाँ पर जंगल की टी ट्राइट एंड सफारी शुरू की गई, सिक्किम उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर चौथा हो जाएगा हिमाचल पश्चिम बंगाल में। रमन मैग्सेसे पुरस्कार अवार्ड 5 लोगों को दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है, डॉक्टर फिरदौसी कादरी मोहम्मद अमजद साकिब रॉबर्ट बेलन या मोहम्मद यूनिस। तो इसमें आपका राइट आंसर चौथा होगा मोहम्मद यूनिस। इसके बाद में देखिए पुराना करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, स्किप करते हैं, ठीक है। 146वां प्रश्न, चर्चा में रहा स्काई स्ट्राइकर क्या है, अंतरिक्ष यान वायरस ड्रोन या मछली प्रजाति। तो भैया ये चर्चा में रही है और इसका नाम था ड्रोन, ठीक है, जिसे स्काई स्ट्राइकर कहा जाता है। हाल ही में कहाँ पर जंगल की ट्राइट्रोन सफारी शुरू की गई, तो देखिए 143वां प्रश्न फिर से आ गया, ये बिल्कुल चौथा ऑप्शन फिर से वही प्रश्न आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे प्रश्न देखेंगे, डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, लखनऊ उत्तर प्रदेश जोधपुर राजस्थान गांधीनगर गुजरात पटना बिहार। तो इसमें आपका तीसरा ऑप्शन राइट होगा गांधीनगर गुजरात। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते थे,
ये प्रश्न जनरल अवेयरनेस से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चौथा ऑप्शन राइट लगाएंगे 19। 149वां प्रश्न, ब्राइट स्टार अभ्यास यानी एक्सरसाइज ब्राइट स्टार किस देश में आयोजित एक बहुराष्ट्रीय शयन अभ्यास है? मिस्र, अमेरिका, जॉर्डन, फ्रांस। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन राइट होगा मिस्र। और 150वां प्रश्न, IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2020 का आयोजन कहाँ किया गया था? अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन। तो तीसरा ऑप्शन राइट होगा, ये किया गया था फ्रांस में। तो गाइज आपके लिए अगर सेशन पसंद आया है तो इसको अभी लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट में कोई राय है प्रैक्टिस सेट से संबंधित ज़रूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं इससे आगे के प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।